राजस्थान के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे, 200 सीटें कुल राजस्थान में है, बहुमत का आंकड़ा 101 है। पिछली बार कांग्रेस के खाते में आई थी 100 सीटें, बीजेपी के खाते में 73, निर्दलीय 13। आप देख रहे हैं कि निर्दलियों की संख्या कितनी ज्यादा है। फिर बीएसपी के खाते में यानी मायावती की पार्टी 6, आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी 3, सीपीआईएम 2, बीटीबी 2 और आरएलडी 1। अब आप देखिए कि पिछली बार कांग्रेस सिर्फ एक सीट से इस बहुमत के आंकड़े को छूने से रह गई थी, तो फिर क्या किया था कांग्रेस और बीएसपी ने एक साथ सरकार बना ली थी। अब आप देख लीजिए 2018 में तो कांग्रेस जीती, अब इससे पिछले 5 साल में चलते हैं, 2013 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी और कितनी सीटें लेकर आई थी, 163, यानी बहुमत के आंकड़े के कहीं ज्यादा, और कांग्रेस के पास मात्र 21 सीटें आई थी और अन्य के खाते में 16 आई थी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे 2013 में बीजेपी सरकार आई, 2018 में कांग्रेस सरकार आई, और अब जो 2023 के चुनाव होने वाले हैं, अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो बीजेपी का टर्न है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। अब आप देख लीजिए 2019 के लोकसभा के नतीजे राजस्थान के, तो पूरी जो कुल सीटें हैं लोकसभा की वो हैं 25, जिसमें से बीजेपी ने 24 जीत ली, आरएलपी ने 1 जीती, यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी, और जो हनुमान बेनीवाल हैं उन्होंने 2019 का लोकसभा बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़ा था, और कांग्रेस के खाते में एकदम 0 सीटें आई। ये हैं 2019 के लोकसभा के नतीजे। अब आप आगे देखिए कि क्या कहते हैं राजस्थान के सर्वे। तो देखिए सी वोटर के हिसाब से तो कांग्रेस की 59 से 69 सीटें आ रही हैं और बीजेपी की 127 से 137 के बीच में, यानी बहुमत के आंकड़े के कहीं पार। अब हम सीएनएक्स की बात करें, सीएनएक्स के सर्वे की, तो कांग्रेस को मिल रही हैं 80 सीटें और बीजेपी के खाते में आ रही है 115। मतलब इन दोनों सर्वे से साफ है कि इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है। वसुंधरा से आगे निकले गहलोत, लेकिन जब सर्वे में लोगों से ये पूछा गया कि अब आप जो है सीएम किसको देखना पसंद करेंगे, तो ज्यादातर लोगों ने गहलोत के लिए वोट किया है, ना कि वसुंधरा को। अब आप ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र हैं, तो मारवाड़ की अगर मैं बात करूं, जहां पे 61 सीटें हैं उसमें बीजेपी आगे है, शेखावटी में कांग्रेस आगे जहां पर 21 सीटें हैं, धुंधाड़ में बीजेपी आगे जहां पे 58 सीटें हैं, हाड़ोती में बीजेपी आगे जहां पर 17 सीटें हैं, और मेवाड़ में जहां पर 43 सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी आगे है।